हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश पटेल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड फिफ्थ में ड्राइंग में जो ड्राइंग सिखाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले आप अपनी वर्कबुक, ड्राइंग की जो वर्कबुक है वो निकालिए। तो इसमें आप हमें पेज नंबर सिक्सटीन का ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग, ये आपने देखा। ये जो छोटी छोटी सी छह डिज़ाइन हमें दिखाई गई है, ये छह डिज़ाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, इसमें किस तरह से कलर बनाना है, कैसा कलर बनाना है और किस तरह से उसमें भरना है, वो सभी मेथड मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तीन डिज़ाइन, तो यहाँ मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है ताकि आपको समझ में आए। इसलिए तो सबसे पहले वाली जो ड्राइंग है, डिज़ाइन है, उसमें हमें क्या करना है, तो स्केल की मदद से हमें स्क्वायर करना है। फिर स्क्वायर करने के बाद जितना होता है, यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर का माप लिया है, तो उस दूसरी साइड में 3 लूँगा और यहाँ टोटल हुआ 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ऊपर 3 और 3 6 सेंटीमीटर, यहाँ डॉट किया मैंने, यहाँ डॉट किया और बीच में 2 और 4 पे, बराबर इस तरह से स्लिपिंग में भी मैंने 0 पर 2 पर 4 पर और 6 पे हमने डॉट किया। अभी क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इनको ज्वाइन करेंगे, जिस तरह से यहाँ बताया गया है उसी तरह से। तो स्केल की मदद से मैंने ड्रॉ किया, ज्वाइन किया इसको। फिर क्या करेंगे, इसको हल्के से हाथों से थोड़ी सी लाइन ऐसे बना देंगे, फिर उस तरफ भी, इस तरह इसमें भी छोटे जो स्क्वायर है बीच वाला वही। तो देखा, इस तरह से मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट किया और बीच साइड वाली जो लाइन है उसको मैं निकाल देता हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से वो डिज़ाइन हमें चाहिए उसी तरह से हमने बना दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसमें कलर भरेंगे। तो कलर भरने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 कलर लेंगे वाटर कलर में, वाइट और ब्लू। तो वाइट ज़्यादा लेंगे हम और ज़्यादा लेंगे और डिश में लगाएंगे, फिर ब्लू थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा, इतना सा, देखो इतना सा मैंने ब्लू लिया थोड़ा, और फिर इसको डिश में हम लगा देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो वाइट ज़्यादा होना चाहिए, ब्लू थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे, 2 ड्रॉप्स जितना, और फिर इसको हल्के से हाथों से हम उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ब्रश जो है, ब्रश का जो ऊपर वाला वो पॉइंट है वो ख़राब ना हो सके इस तरह से। और फिर कलर को साइड में से इस तरह से, ज़्यादा वाला जो कलर होता है वो हम इस तरह से निकाल देंगे। हम फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम शुरू करेंगे कलर भरना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर में कर देंगे ऐसे, फिर सबसे पहले आपको बॉर्डर के बाहर कलर बनाए, बॉर्डर पर, ताकि बाहर कलर ना निकल जाए। इसमें हमें 0 या फिर 1 नंबर का ब्रश यूज करना है।
फिर दूसरी बार हम उसमें कलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कई जगह पे लाइट हो जाता है, कहीं पे धब्बा हो जाता है डार्क का, तो हम क्या करेंगे दोबारा उसमें कलर भरेंगे, ताकि ये जो दिखता है आपको, देखो ये धब्बे दिखता है ना, तो वो धब्बे नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम कलर दूसरी बार लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ। फिर इसमें बीच में कौन सा कलर है, तो बीच में हम करेंगे येलो कलर लेंगे। तो सोच समझ के, ताकि कलर बाहर निकल जाए, इस तरह से थोड़ा सा कलर लीजिए, पहले बॉर्डर बना दीजिए, बाहर इसके में कलर भर दिए, बाद इसमें कलर भरिए। तो ये फर्स्ट ड्राइंग कंप्लीट हुआ हमारा। तो इस तरह से सभी ड्राइंग कलर, तो फर्स्ट ड्राइंग जो है उसमें हमें कौन सा कलर लिया, तो ब्लू और वाइट। तो ये कलर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो वाइट ज़्यादा लेना है और ब्लू थोड़ा सा लेना है। वाइट ज़्यादा लोगे और ब्लू थोड़ा सा लोगे तो ये कलर बन सकता है, और फिर बीच में हमें येलो कलर का यूज़ किया। तो आपको समझ में आया क्या, ये कलर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कलर चाहिए, तो ब्लू और वाइट। वाइट ज़्यादा होना चाहिए और ब्लू कम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा ड्राइंग, तो दूसरे ड्राइंग में हमें क्या है, तो इसमें भी येलो कलर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, येलो कलर से उसमें बॉर्डर लगाएंगे। फिर बीच में हम कलर भरेंगे। तो इस तरह से हमने ये ड्राइंग में येलो कलर भर दिया। फिर ऊपर वाले में क्या है, कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर अगर आपके पास हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, येलो और ये जो येलो है और उसमें हम क्या करेंगे, रेड मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिया है येलो कलर, इसमें साइड में लेता हूँ येलो कलर इसमें, और फिर उसमें रेड कलर यूज़ करता है, जो यहाँ रेड कलर दिया हुआ है तो थोड़ा सा मैं यूज़ करता हूँ, उसमें मिक्स करता हूँ। तो देखा हो गया येलो ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ आपको लगता है कि ऑरेंज कलर बहुत लाइट है, तो क्या करेंगे, हम रेड कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसमें, और फिर से हम बनाएंगे। देखा हो गया ऑरेंज कलर। तो इसी तरह से हमें सभी जो डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइन में हमें अलग अलग कलर बनना है। तो इस डिज़ाइन में हमें क्या, कौन सा कलर बनना है, तो इस डिज़ाइन में हमें पैरोट ग्रीन कलर बनना है। तो पैरोट ग्रीन कलर किस तरह से बनता है, तो पैरोट ग्रीन कलर इस तरह से कि ग्रीन कलर में थोड़ा सा येलो मिक्स करेंगे हम। ग्रीन कलर में, ध्यान से सुनो, ग्रीन जो कलर है उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स करेंगे हम, फिर ये पैरोट ग्रीन कलर हो गया। तो ये पैरोट ग्रीन कलर हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, उसमें भरेंगे। तो ऐसे देखो,
कलर थोड़ा सा कम हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से हम बनाएंगे। तो सब पहले ये ग्रीन कलर लेंगे, लाइट ग्रीन लेंगे थोड़ा, फिर इसके अंदर हम येलो कलर मिक्स करेंगे। और इसमें हम दोनों को मिक्स करेंगे। इस तरह से कलर दोबारा हम लगाएंगे ताकि डिज़ाइन में जो धब्बे दिखते हैं वो दिखने नहीं चाहिए कलर के, हमारा कलर ड्राइंग अच्छा दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये कलर लगा दिया, ठीक है। फिर उसमें पिंक कलर, तो पिंक कलर हमें ये लगा सकते हैं, फ्लोरेसेंट पिंक आता है तो ये भी लगा सकते हो। और इसमें थोड़ा सा हम रेड कलर यूज़ करेंगे और फिर थोड़ा सा वाइट। ये जो मैंने पिंक कलर लगाया यहाँ, और इसमें थोड़ा सा येलो कलर या फिर मैंने थोड़ा सा वाइट कर लेंगे हम। अगर ऐसा नहीं है कि उसमें बताया गया है वही कलर हम बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये कलर की जगह मुझे ये कलर पसंद है तो मैं ये कलर लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ, तो आप अलग कलर अपना अपनी चॉइस के कलर भी इसमें भर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो बताया गया कलर है वही हमको भरना है, आप अपनी चॉइस के कलर भी भर सकते हैं इसमें। लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो मेथड है कि बॉर्डर के बाहर कलर चला ना जाए, ये खास ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये हुआ अपना तीसरा ड्राइंग। तो इसमें हमने देखा कि लाइट ग्रीन कलर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कलर को यूज़ किया, येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन, येलो में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया और ये पैरेट ग्रीन कलर हो गया, और इस तरह से ये पिंक कलर में, तो पिंक में फ्लोरेसेंट पिंक आता है। अगर नहीं है आपके पास फ्लोरेसेंट पिंक तो रेड कलर के अंदर थोड़ा सा हम वाइट कलर डालेंगे और थोड़ा सा ब्राउन एकदम थोड़ा सा हम डालेंगे और इस तरह से कलर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें सभी के सभी ड्राइंग हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देखा, तो यहाँ मैंने सबके सब ड्राइंग कंप्लीट करके हुए रखा है। तो देखो हमने किस तरह से ये सभी ड्राइंग कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हमें आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करना है, ये सभी के सभी छः डिज़ाइन आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है, ठीक है। और करने के बाद हमारा पहला नियम क्या है, कौन सा नियम है कि बॉर्डर के बाद कलर चला ना जाए, ये सबसे पहला हमें खास ध्यान रखना है, तभी आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि कलर जो हम लगाते हैं उसी में हम एक कलर नहीं पर दो बार कलर लगाएंगे, ताकि पहली बार हम कलर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कलर कई जगह ज़्यादा लग जाता है, कई जगह कम लग जाता है, या फिर कागज़ उसको सूख लेता है, तो हम दोबारा करेंगे तो उसमें फिनिशिंग आता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से कलर डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हो इसमें। देखो ये मैंने यहाँ बॉर्डर भी लगा दिए स्केच पेन से, तो आप भी स्केच पेन से लगा के इसको कंप्लीट करेंगे और अपना ड्राइंग अच्छा बनाएंगे, ठीक है।
तो आशा रखता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको ये डिज़ाइन को बनाने को किस तरह से बनाया बनाना है और किस तरह से ड्रॉ करना है सभी मैंने सीखा है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका भी ड्राइंग इतना अच्छा होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम दूसरे ड्राइंग में, तब तक लिए बाय।